आखिरकार ईशा के साथ क्या हुआ है? क्या ईशा की जान पर खतरा मंडरा रहा है? आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से ईशा ट्रक के नीचे आते आते बच गई है। यहाँ पर ईशा की जान किसी और ने नहीं बल्कि जगताप ने बचाई है। जी हाँ, जगताप की अब हो चुकी है वापसी। जो काम सभी काफी समय से करने की कोशिश कर रही है, अब वही काम जो है जगताप करता हुआ नजर आएगा। जगताप ईशा को ईशान से मिलाने की कोशिश करेगा। हम आपको बता दें कि यहाँ पर अब जगताप भी ईशा को जानता है। दरअसल ईशा और सई कॉलेज में एक साथ थे। जगताप जिस समय सई को जानता था, उसी समय उसकी पहचान ईशा से भी हुई थी। हालांकि वो सई से तो हमेशा टच में था ही, लेकिन ईशा के बारे में वो कुछ नहीं जानता था। और इसके बाद अब जब उसने ईशा को देखा है तो वो काफी शॉक्ड रह गया है। ईशा की ऐसी हालत उससे देखी नहीं जा रही। उसे तो ये मालूम ही नहीं था कि ईशा पर इतना ज्यादा कुछ गुजर चुका है। और अब यहाँ पर जब उसने देखा कि ईशा की जान खतरे में है, तो उसने दौड़कर ईशा को बचा लिया है। हम आपको बता दें कि अब ईशा को जगताप ने बचा तो लिया है, लेकिन ईशा बहुत ज़्यादा सदमे में है। वो किसी से बात ही नहीं करना चाहती। उसकी ज़िंदगी में क्या हुआ है, कैसे हुआ है, इस बारे में वो किसी को कुछ नहीं बता रही है। तो अब ये देखना होगा कि जगताप जो है आखिरकार ईशा के बारे में किस तरीके से पता करके अब उसको उसके परिवार से मिलाता है। आपको क्या लगता है इस बारे में? क्या आपको लगता है कि जो काम सभी नहीं कर पाई है वो जगताप कर पाएगा? आप इस बारे में क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय लिखकर ज़रूर बताएं। और क्या आपको लगता है कि ईशा और ईशान वाकई में कभी मिल पाएंगे? आप क्या कहेंगे, कमेंट ज़रूर करें।